नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। आज ना सुबह से मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया जो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा ब्रेकफास्ट कैसे हुआ, चिनूक किस तरह से खा रही है, और फिर थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें। पर बात क्या है ना, मैं सुबह लेट उठती हूँ, आप सबको पता है। और सुबह ना ये चंद्रकला और सिंधु दोनों साथ में आ जाती है, और वो लोग एकदम जैसे घोड़े पे बैठ के आती है। उठो 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 उठो, ये रूम खाली करो, वो रूम छोड़ो, अभी ये रूम साफ़ करना है, वो रूम झाड़ू लगाना है। तो उस चक्कर में ना मैं भी थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ कि एक तो लेट उठती हूँ, नींद में रहती हूँ, और थोड़ा सा तो तैयार होकर आप लोग के सामने आना होता है, जो सुबह मैं बिल्कुल नहीं कर पाती क्योंकि मैं सुबह लेट उठती हूँ और रात को मैं बहुत देर तक जागती हूँ। तो रात को ना मैं कंफर्टेबल हूँ, जैसे इस टाइम मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं मतलब पूरा एनर्जी भी है मेरा और बहुत मूड भी होता है कि चलो आप लोगों से बातें करूँ। तो मैं आज सुबह का थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, आज ना मैं पहली बार दलिया की खिचड़ी बनाने के लिए बोली हूँ। मैं तो कभी बनाई नहीं, आप चंद्रकला का पता नहीं, पूछती हूँ क्या बोलती है। चंदू, पहले बनाई क्या दलिया का खिचड़ी कभी? पहली कभी नहीं बनाई, पहली बार। बार बना रही है? मैं भी पहली बार ही मतलब बनाते हुए देखूँगी। चल बना। अच्छा सुन, वो तेल, हाँ दूसरा तेल भी था। अच्छा चल, उसी से बना, राई का तेल से बना रही है। अच्छा देखिए, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। प्याज लिया आधा, टमाटर आधा, हरी मिर्च, ये टमाटर उठा के रख देना, और करी पत्ता लिया, और इतना ही दलिया बना रहे हैं आज। और थोड़ा सा धनिया, बोल रही हो? डांस कर रही है झिनुक। हाँ नहीं, और दलिया का क्या बोल रहे हो? दलिया बन जाएगा अच्छे से। अच्छे से बन जाएगा। चलो, एक दलिया के लिए सब लोग आज परेशान क्योंकि पहली बार ऐसे बन रहा है। चलो, मैं तो कितनी बार बना। ये देखो झिनुक को। वाह, तेरे को नहीं जमा रही हूँ मैं कपड़ा सुखा रही हूँ, मस्त है ना मम्मा? डांस कर, डांस कर, डांस कर, डांस कर, डांस कर, जिनी डांस कर। देखा? मस्त है ना? अच्छा देखिए, ये दलिया लेके मैं बैठ गई ब्रेकफास्ट के लिए। देखने में तो ठीक ही लग रहा है, फिर मैं खा के बताती हूँ। और साथ में मैं पी रही हूँ ब्लैक टी। आप लोगों को पता है पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी डेली,
पर अभी हस्बैंड को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन किया डॉक्टर ने कॉफ़ी से, इसलिए फिर दो अलग अलग बनाने से अच्छा है एक ही चीज़ बनाऊं तो इसलिए मैं ब्लैक टी पी रही हूँ आजकल। तो चलिए मैं खा के बताती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो एक होता है ना कि बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, वैसे नहीं बोल सकती इसको। एक्चुअली दलिया मैं पहली बार खा रही हूँ, बनाया तो नहीं कभी जो मैंने पहले आपको बताया। और चंद्रकला का जो है ना, उसने जो बताया कि मैं अगर उधर खड़ी हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है तो थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देती है, पर ये खाने में अच्छा ही है। जैसे मेरे हस्बैंड तो डेली ऑलमोस्ट डेली ब्रेकफास्ट में दलिया मिल्क के साथ वो माइक्रोवेव में करके पता नहीं कैसे खाते हैं, मैंने कभी खाई नहीं। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। एक्सपेरिमेंट फेल हुआ ऐसा नहीं बोलूँगी, पर इससे बेटर हो सकता है। इसमें थोड़ा सा मटर डालेंगे, थोड़ा सा गाजर डालेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं नेक्स्ट एक बार फिर बनाऊँगी, कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मटर डालेंगे तो भी बेटर होगा। एंड वैसे टेस्ट अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता है। ब्रेकफास्ट ना थोड़ा सा वैरायटी होना तो अच्छा लगता है, रोज़ ही एक चीज़ खाना अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक आप सबको तो पता ही होगा दलिया, मुझे ही पता नहीं था, मैं पहली बार बनाई। तो झीनुक ना दो दिन से मॉर्निंग में कुछ खाना नहीं चाह रही थी, बहुत ट्राई किया नहीं हो रहा था, पर सरप्राइजिंगली मुझे पता नहीं क्यों उसके दिल में क्या है, वो सिंधु के हाथ से दो दिन बहुत अच्छे से खा ली पूरा ब्रेकफास्ट। तो अभी देखिए ब्रेकफास्ट करके महारानी आराम से अपने बेड पे लेटी है। लव यू बेबी। अच्छा चलिए लक्ष्मी को पूछती हूँ मैं कि आज उसने क्या बनाई हमारे लिए। और वैसे भी बचा कुचा कुछ होता है तो बच जाता है, स्पेशली दाल है ना लक्ष्मी। हाँ। दो दिन तीन दिन, ओ गॉड। अच्छा बता दो क्या क्या बनाया आज, बोलो। तो आलू जो हम मिक्स बनाते हैं, दाल वाले सब्जी, करेल जो नॉर्मली मच्छी के साथ होता है, आज बगैर मच्छी के बनाए क्योंकि अभी कुछ दिन हम वेज खा रहे हैं। ओके, इसमें क्या क्या है? आलू, परवल, गाजर, बैंगन बस ये डाल के बनाया। कच्चा केला हाँ, भूल गई। ठीक है, तो पांच सब्जी इसमें है। हाँ। तो ये भी अच्छा है। दिस इज अ चौली आलू फ्राई। ओके, दिस इज बैंगन फ्राई और थोड़ा सा दाल। और ये जो ब्राउन राइस बस वो हम खाते हैं रेगुलर, राइट? ओके, एक तो झीनुक का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दो दिन से बिल्कुल नहीं, तीन चार दिन से बिल्कुल नहीं खा रहे। सुबह दोपहर को और शाम को खा रही है, पर सुबह का बहुत ट्राई कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत टाइम लग रहा है। पर लकीली कल और आज दो दिन उसने सिंधु के हाथ से बहुत अच्छा खा रहे हैं, तो ये टेंशन हमारा कम हुआ, क्योंकि उसको लेके हम बहुत टेंशन में है। हम समझ तो पा रहे हैं कि उसको बहुत दुख है, वो बोल नहीं पाती है, लेकिन उसका आँखें, उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल रहा है कि वो बहुत मिस कर रही है। तो जब भी उसको बहुत ज़्यादा याद आता है तो वो ऐसे करती है, और बाकी टाइम भी जो भी तीन बार वो खाती है, बाकी दो टाइम भी मिलना, मतलब आप खाना दे के चले जाओ तो नहीं खा रही है, उसको बहुत प्यार से बेटा खा ले करके उसको खिलाना पड़ता है। एक देखिए दिखाओ,
देखी, ओ गुड गर्ल गुड गर्ल, लव यू मम्मा गुड गर्ल, चलो वेरी गुड लव यू। चलो पड़ो एसो बेडे एसो कम बेडे चलो एखाने एसो एसो कम कम यस यस ओहो छोना मम्मा love you mama so sweet so sweet। झिनुक का क्या मेन जो प्रॉब्लम है, झिनुक जब आई थी ना बहुत बीमार थी, तो रिनी को मैंने जिस तरह से ट्रेनिंग दिया था, मैंने ही खुद दिया था, एंड वो इतने अच्छे से ट्रेंड हुई भी थी हर एक चीज़ में, जो अभी हमको बहुत लग रहा है कि झिनुक को भी मुझे इस तरह से ट्रेन करना चाहिए था। पर क्या है ना, वो बहुत बीमार थी, छोटी सी आई थी, तो मुझे ना बहुत ऐसा लगता था कि बेचारे ऑलरेडी इतना बीमार है, मैं उसके पीछे उस टाइम बहुत उसका टेक केयर करना पड़ता था। फिर मुझे डांट डांट के कुछ सिखाना, तो बहुत उस टाइम ऐसा लगता था छोड़ दो। पर डॉग्स का क्या है ना, एक पर्टिकुलर एज के बाद वो लोग कुछ सीखते नहीं हैं, तो वो झिनुक के साथ हो गया। अभी कितना भी मैं कोशिश करती हूँ वो सीखती नहीं है। तो अभी जब रीनी नहीं है तो बहुत फील हो रहा है कि झिनुक को भी मुझे वो सिखाना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग अगर है ना पेट को, अगर आप दे सकते हो ना तो बहुत अच्छा होता है। पर झिनुक वैसे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वैसे शी इज़ वेरी स्वीट, अभी खाना लेके थोड़ा सा कर रही है, पर ट्रेनिंग होता तो और अच्छा होता। अच्छा, आज ना मेनली मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये इसलिए कि बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, बहुत लोग पर्सनली भी बोल रहे हैं कि अरे मौना मासी कहाँ गई, मौना मासी कब वापस आएगी, मौना मासी को हम देखना चाहते हैं। एक्चुअली आप लोग मानोगे नहीं, मैं जो कलकत्ता गई थी ना, तो मैं वो जो प्रॉप्स है मौना मासी के लिए, जो मैं स्पेशली यूज़ करती हूँ, वो फ्लावर, वो हैंड फैन एंड सनग्लास, वो सब लेके गई थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। और यहाँ भी जैसे आज थर्सडे है, ये वीडियो आप जब देखोगे तब फ्राइडे, पर रिकॉर्डिंग तो थर्सडे हो रहा है, तो थर्सडे मॉर्निंग एक्चुअली मौना मासी आना चाहिए था, तो मैंने ट्राई भी किया पर मैं कर नहीं पाई। पर मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे मौना मासी ज़रूर आएगी आप सबके सामने। मुझे भी लग रहा है कि अभी होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कैसे भी सिचुएशन हो काम तो चालू रहना चाहिए। देखिए, इसलिए मैंने ब्लॉग तो बंद नहीं किया, मैं रोज़ वीडियो तो बनाती रही, पर संभव मैं मौना मासी नहीं कर पाई, पर मुझे करना है वो भी, आई एम श्योर कि मुझे करना है। तो कमिंग थर्सडे मैं पक्का मौना मासी को फिर से आप सबके सामने लेके आऊँगी। चलिए आज इतना ही, और मैं बहुत दिनों से जो नहीं बोली, शायद दो दिन से बोल रही हूँ आप लोगों को कि माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मौली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कॉमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के कॉमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, एंड जब भी मैं देखती हूँ मैं देन एंड देन रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छा रहिए, बहुत जल्द फिर मिलूंगी। नमस्कार।